हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर में सबसे पहले आपको बताएंगे, जहां पाकिस्तानी सेना के उकसावे का बीएसएफ ने दिया मुंहतोड़ जवाब। कई चौकियों समेत मॉनिटरिंग टावर को कर दिया ध्वस्त। जी हां, पाकिस्तान में भारतीय जवानों ने मचा दिया तहलका। बताएंगे दोस्तों अभी की सबसे बड़ी खबर, भारत को चलाता दहलाने, उल्टा भारत ने ही मजा चखा दिया पाकिस्तान को। साथ ही साथ आपको बताएंगे, जहां कतर में सजाए मौत के पीछे क्या हमास का है कनेक्शन इजराइल से दोस्ती की, भारत को मिल रही सजा। जी हाँ दोस्तों, आतंक का आका कतर बना रहा है भारत पर दबाव। बताएंगे क्या है अभी की लेटेस्ट खबर, मामला कहां तक पहुंचा दोस्तों, सबसे पहले आपको बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे, जहां जंग के बीच इजराइल ने उठाया सबसे बड़ा कदम, मिस्र के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने जताई चिंता। बताएंगे क्या कहा उन्होंने। साथ ही साथ लोकसभा चुनाव में एक बार फिर स्पष्ट बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी ही बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। बताएंगे किसने ये सबसे बड़ा दावा किया। और दोस्तों, प्याज के रेट को लेकर, महंगाई को लेकर मोदी सरकार ने उठाया बहुत बड़ा कदम। जी हाँ दोस्तों, एक से एक जानकारी बताएंगे, बनने का वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि भारत ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देकर बिल्कुल सही कार्य किया है और कतर में फंसे भारत के 8 पूर्व अधिकारियों को भारत किसी भी कीमत पर बचा ही लेगा, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तानी सेना के उकसावे का बीएसएफ ने दिया मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तानी रेंजर्स के कई चौकियों समेत मॉनिटरिंग टावर को किया ध्वस्त। जी हाँ दोस्तों, सीमा सुरक्षा बल ने जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा सीज फायर का उल्लंघन और उकसावे का मुंह तोड़ जवाब दिया। बीएसएफ की जवाबी कार्रवाई में जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अरनिया और आरएसपुरा सेक्टरों में पाकिस्तानी चौकी और सीमा पर बना मॉनिटरिंग टावर ध्वस्त हो गया है। पाकिस्तानी रेंजर्स ने 2021 के बाद से पहला बड़ा संघर्ष विराम उल्लंघन कर गुरुवार रात आरएसपुरा सेक्टर के अरनिया इलाके में गोलीबारी की, जो लगभग 7 घंटे तक चली। इस गोलीबारी में बीएसएफ का एक जवान और एक महिला घायल हो गई, जिसके जवाब में बीएसएफ ने पाकिस्तानी सेना के उकसावे का जवाब दिया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट की माने तो बीएसएफ सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी रेंजर्स पर आतंकवादियों की घुसपैठ के प्रयासों का समर्थन करने का दबाव है, क्योंकि उन्हें नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के साथ भारत में घुसने में सफलता नहीं मिल रही है। सूत्रों ने बताया कि स्थानीय बीएसएफ बलों की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी पक्ष को भारी नुकसान हुआ। सूत्रों ने बताया कि कई पाकिस्तानी रेंजर्स भी घायल हो गए और उन्हें एम्बुलेंस में अस्पतालों लेकर जाया गया, जिन्हें रात भर इधर उधर आते जाते देखा गया। बीएसएफ के एक अधिकारी ने कहा कि सुचेत गढ़ में एक सीमा चौकी पर कमांडर स्तर की बैठक में पाकिस्तानी रेंजर्स के समक्ष विरोध दर्ज कराया गया। उन्होंने कहा कि बैठक करीब 1 घंटे चली। 17 अक्टूबर को अरनिया में बीएसएफ चौकी पर सीमा पार से हुई गोलीबारी में 2 जवान घायल हो गए थे, जिसके बाद 10 दिनों में पक्षों के बीच ये दूसरी बैठक थी। अब ऐसे में दोस्तों, जिस प्रकार से पाकिस्तानी रेंजर्स ने सीज फायर का उल्लंघन किया, भारत ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया दोस्तों भारत के बीएसएफ ने, वो वाकई में सराहनीय है। उन्होंने पाकिस्तानी चौकियों को नस्त नाबूद कर दिया और पाकिस्तानी रेंजर्स को वो मजा चखाया कि पाकिस्तानी रेंजर्स अगली बार सीज फायर का उल्लंघन करने से पहले 100 बार सोचेगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से यह भी खबर आ रही है कि उस हमले में पाकिस्तानी रेंजर्स के 2 जवानों की मौत भी हुई है। ये कितना सच और कितना झूठ है दोस्तों, ये हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन ट्विटर पर जो पाकिस्तानी रिएक्ट कर रहे हैं उससे हमने आपको ये सूत्रों के हवाले से जानकारी बताई है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां कतर में सजाए मौत के पीछे हमास का क्या कनेक्शन है, वाकई में इजराइल से दोस्ती की भारत को मिल रही है सजा, बता दें। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को कतर में मौत की सजा सुनाई गई है, आप सभी जानते ही हैं। कतर ने जासूसी के आरोप में इन अधिकारियों को सजाए मौत दी है। उनकी जमानत याचिकाएं कई बार खारिज कर दी गई। कतर की एक अदालत ने गुरुवार को सभी 8 के 8 को मौत की सजा सुनाई है। आदेश आने के बाद दिल्ली में हलचल बढ़ गई। कतर के इस फैसले के पीछे भारत ने हैरानी जताई। विदेशी मामलों के जानकार कतर के इस फैसले को हमास के साथ जोड़कर देख रहे हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि इजराइल हमास जंग में कतर पूरी तरह से हमास के सपोर्ट में है। वहीं आतंक के खिलाफ भारत हमेशा से खड़ा रहा है। 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए हमास के हमले का भारत ने पुरजोर विरोध किया, जो हमास के साथ साथ उसके हमदर्द देश कतर को रास नहीं आया। कई विशेषज्ञों का मानना है कि कतर के इस फैसले के पीछे उसकी सोची समझी साजिश है। इजराइल हमास के युद्ध में कतर हर मौके को इजराइल के खिलाफ भुनाना चाहता है। ऐसे में भारतीयों की फांसी सजा भी ऐसे मौके पर आई जब भारत ने पूरी दुनिया के आगे हमास का विरोध किया। कतर का दावा है कि कथित तौर पर भारतीय नौसेना के पूर्व
अधिकारी इजराइल के लिए कतर के गुप्त पनडुब्बी कार्यक्रम के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। आपको बता दें कि इस मामले में भारत को गुमराह कर रहा है कतर, आतंक का आका कतर भारत पर बना रहा है दबाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें इसी साल अप्रैल महीने की बात है, उस समय कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया था कि कतर में गिरफ्तार किए गए 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। जयराम रमेश ने कहा था कि ऐसा इसलिए क्योंकि अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई में कतर का सॉवरेन वेल्थ फंड लगा हुआ है। इस पर जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था कि हम कतर पर दबाव नहीं बना सकते, हमें नहीं लगता कि दो देशों के अच्छे संबंध का असर उनके यहाँ की कानूनी कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए, लेकिन हम परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन आज लगभग उस बात को 6 महीने बीत चुके हैं और उसके बाद जब उन सभी 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई गई, तब उसी विदेश मंत्रालय के वही प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम फांसी दिए जाने के फैसले से स्तब्ध हैं। इसका अर्थ दोस्तों यही है कि एक ही मामले में आज से 6 महीने पहले भारत का विदेश मंत्रालय जो आकलन करके चल रहा था, निर्णय उसके विपरीत आ गया तो वो स्तब्ध रह गया। संभवतः विदेश मंत्रालय को उम्मीद थी कि अल देहरा कंपनी में काम करने वाले भारत के 8 पूर्व नेवी कर्मचारियों अधिकारियों को जासूसी के आरोप से मुक्त करके रिहा करवा लिया जाएगा, लेकिन कतर के कोर्ट ने उन्हें जासूसी का दोषी पाया और फांसी की सजा सुना दी। दोस्तों अब आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि जो वो 8 पूर्व भारतीय अधिकारी है उन पर क्या बीत रही होगी। दोस्तों ये खबर सुनते ही उनके दिन में तारे नजर आ रहे होंगे और उनको एक एक दिन भारी पड़ रहा होगा। ऐसे में अगर उनके बिहाफ पर आप सोचे तो किसी भी कीमत पर मोदी सरकार को उन 8 के 8 अधिकारियों को बचाना ही पड़ेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि भारत में मोदी सरकार है और मोदी है तो हर चीज मुमकिन है और वाकई में मोदी जी उन सबको बचा पाएंगे, तो कमेंट में मोदी है तो मुमकिन है जरूर कहिएगा। साथ ही साथ आपकी जो भी राय हो दोस्तों बताइएगा जरूर। लेकिन हम आपको बस इतना बता दें कि 8 भारतीयों की तरह इस देश के 3 नागरिकों को कतर ने जासूस बताया था, लेकिन बाद में उनके सजा को कम कर दिया गया था। जी हां, यानी फिलीपींस के 3 आरोपियों को कतर ने ऐसे ही पकड़ा था और उनको मौत की सजा हुई थी, जिसके बाद उनको रिक्वेस्ट करते करते मौत की सजा कम कर दी गई। मौत के बाद उम्र कैद किया गया, उसके बाद दोस्तों 15 साल की सजा दी गई। ऐसे में कहीं ना कहीं उम्मीद है कि हमारे भारतीय भी बच जाएंगे। चलते अगली खबर की तरफ, जहां जंग के बीच इजराइल ने उठाया बहुत बड़ा कदम। मिस्र के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के सामने जताई चिंता। आपको बता दें इजराइल हमास जंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी जी ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने गाजा पट्टी में इजरायली सैन्य हमलों और उसके नुकसान को लेकर चर्चा की। इसके साथ ही गाजा के लोगों की सुरक्षा को लेकर भी दोनों नेताओं ने बात की। मिस्र के राष्ट्रपति के प्रवक्ता ने बताया कि प्रेसिडेंट ने संघर्ष विराम की दिशा में क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के लिए मिस्र की ओर से प्रयास जारी रखने की बात की। साथ ही आह्वान किया कि गाजा पट्टी पर जमीनी हमले के परिणाम बेहद गंभीर होंगे। मिस्र के राष्ट्रपति ने इस बात पर भी चिंता जताई कि इससे मानवीय हालात और ज्यादा बिगड़ जाएंगे, लिहाजा इसके लिए तत्काल जरूरी कदम उठाने होंगे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अनुसार राजनयिक स्तर पर इस जंग के समाधान खोजना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इस दिशा में तुरंत कदम उठाया जाता है तो संघर्ष विराम, मानवीय जीवन बच जाएगा। राष्ट्रपति फतेह ने कहा कि मानवीय सहायता को तुरंत और बिना किसी रुकावट के हिंसा प्रभावित क्षेत्र में पहुंचाया जाना चाहिए। साथ ही दोनों नेताओं ने मिस्र और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों और बेहतरीन रणनीतिक साझेदारी पर संतुष्टि जताई। जी हां, साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां इजराइल हमास युद्ध पर यूनाइटेड नेशन में वोटिंग से आखिर क्यों दूर रहा भारत, कहा आतंकवाद से कोई समझौता नहीं। जिस पर मोदी सरकार के स्टैंड से उबला विपक्ष, ओवैसी और प्रियंका गांधी ने विदेश नीति पर उठा डाले सवाल। बता दें संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाजा में संघर्ष विराम का आह्वान करने वाले प्रस्ताव से भारत द्वारा दूरी बनाए जाने को लेकर कांग्रेस सहित विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला किया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को कहा कि ये चौंकाने वाला है कि भारत ने इजराइल हमास संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव से खुद को दूर रखा। ओवैसी ने मतदान से भारत की दूरी की देश की असंगत विदेश नीति करार दिया। हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किए गए एक संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमास हमले की निंदा की, लेकिन संघर्ष विराम की मांग करने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव पर सहमति नहीं दी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने हमास हमले की निंदा की है, लेकिन संघर्ष विराम की मांग को लेकर संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव पर सहमति नहीं जताई। उन्होंने कुछ दिन पहले जॉर्डन के राजा से बात की थी, लेकिन जॉर्डन द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर मतदान से भारत अलग रहा, ये एक असंगत विदेश नीति है। ओवैसी ने कहा यह चौंकाने वाला तथ्य है कि नरेंद्र मोदी सरकार मानवीय संघर्ष विराम और नागरिक जीवन की सुरक्षा
के संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव से दूरी रही। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेसी नेता प्रियंका गांधी ने कहा है कि वो भारत के इस कदम से स्तब्ध और शर्मिंदा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्होंने ये भी कहा है कि जब मानवता के साथ हर कानून को ताक पर रख दिया गया हो तो ऐसे समय में अपना रुख तय नहीं करना और चुपचाप देखते रहना गलत है। बहरहाल दोस्तों जिस प्रकार से भारत इजराइल हमास युद्ध पर यूनाइटेड नेशन में वोटिंग से दूर रहा, ऐसे में विपक्षों का मोदी सरकार को घेरना कहीं ना कहीं बिना कारण को जाने वाला जवाब था। लेकिन हम आपको बताते हैं आखिर भारत यूनाइटेड नेशन में इस मुद्दे पर वोटिंग से दूर क्यों रहा। दरअसल सूत्रों ने इजराइल हमास संघर्ष से जुड़े संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव पर मतदान से भारत के दूर रहने के फैसले के बारे में शनिवार को विस्तार से बताते हुए कहा कि भारत आतंक को लेकर कोई भी समझौता नहीं कर सकता और यही सबसे बड़ी वजह थी दूर रहने की। ऐसे में अगर आप भी मोदी जी के इस एक्शन का सपोर्ट करते हैं दोस्तों तो कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी जरूर कहिएगा। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें जहां पीएम शेख हसीना के इस्तीफे की मांग, तनावपूर्ण माहौल में हिंसा, पुलिसकर्मी की मौत, 200 से अधिक घायल। आपको बता दें बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता की आशंका के बीच अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे मुख्य विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं की ढाका में पुलिस के साथ झड़प हो गई। सत्तारूढ़ अवामी लीग ने भी शांति रैली आयोजित की। इसी समय प्रतिद्वंदी दलों की राजनीतिक रैलियों के कारण तनाव बढ़ गया। हालात पर काबू पाने के मद्देनजर शनिवार को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अर्धसैनिक सीमा रक्षकों को तैनात किया गया। पड़ोसी देश में तनाव की खबर पर पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में आहूत राजनीतिक रैलियों के दौरान शनिवार को भड़की हिंसा में पुलिसकर्मी की मौत हो गई। सुरक्षा कर्मियों सहित 200 से अधिक लोगों के घायल होने की भी खबर है। बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के नेतृत्व में मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी बीएनपी ने अंतरिम सरकार के तहत स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मांग की है। चुनाव की अनुमति देने के लिए प्रधानमंत्री हसीना के इस्तीफे की मांग भी हो रही है। इस्तीफे पर जोर देने के लिए ढाका में बीएनपी ने भव्य रैली का आयोजन किया था। बांग्लादेश में उपद्रव को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों और निजी टीवी चैनलों की खबरों के अनुसार बीएनपी के आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने ककरेल में एक पुलिस बूथ को आग लगा दी। यानी कि लगातार पीएम शेख हसीना इस्तीफा दो के मांग पूरे बांग्लादेश में चढ़ता दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें जहां रूस को मिला दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली हेलीकॉप्टर। अमेरिकी चिनुक से कितना है शक्तिशाली आपको बता दें, रूसी एयरस्पेस फोर्सेस को दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर MI-26 का आधुनिक वेरिएंट प्राप्त हुआ है। T-2V नाम के इस वेरिएंट में नया इंजन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स, एक उन्नत कम्युनिकेशन सूट, नेविगेशन उपकरण, बेहतर एर्गोनॉमिक्स, बेहतर पायलट इंफ्रास्ट्रक्चर और नवीनतम सैटेलाइट कम्युनिकेशन उपकरण लगे हुए हैं। भारत ने भी रूस से 3 MI-26 हेलीकॉप्टर को 1986 में खरीदा था। हालांकि पुर्जों की कमी और लॉजिस्टिक मुद्दों के कारण ये हेलीकॉप्टर फिलहाल सर्विस से बाहर है। साथ ही साथ एक और खबर की बात करते हैं जहां पाकिस्तान और ईरान ने अफगान शरणार्थियों का जीना किया मुहाल। बता दें इन दिनों पाकिस्तान और ईरान में रह रहे अफगान शरणार्थियों की जिंदगी नरक बनी हुई है। पाकिस्तान और ईरान के शासक अफगानियों को अपने देश से जबरन निकाल रहे हैं और अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार उन्हें लेने को तैयार नहीं है। खासकर उन अफगानियों के लिए कोई ठिकाना नहीं है जिनके पास अपना कोई पहचान पत्र नहीं है। ऐसे लोगों की संख्या 5 लाख से अधिक है। एक तरफ पाकिस्तान अरबों डॉलर अफगान शरणार्थियों को पालने के नाम पर ले रहा है तो वहीं दूसरी ओर गरीब अफगानियों पर जुल्म भी कर रहा है। पाकिस्तान ने यह पहले ही घोषणा कर दी है कि 31 अक्टूबर तक सभी गैर पंजीकृत शरणार्थियों को वो देश से निकाल देगा। लाखों अफगानी पिछले 4 दशक से पाकिस्तान और ईरान में शरण लिए हुए हैं। अफगानी एक बार नहीं चार बार वतन से बाहर हुए हैं। पहले अफगानिस्तान पर सोवियत के कब्जे के समय, फिर अमेरिकी फोर्स के आने के बाद, तालिबान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध के समय और अब पुनः तालिबान के शासन आने के बाद। जी हां, साथ ही साथ अगली खबर की बात करें जहां भारतीय सैनिकों को छोड़ना होगा मालदीव। जी हां, नव निर्वाचित राष्ट्रपति ने फिर एक बार दे दिया बड़ा बयान। बता दें नव निर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू का कहना है कि मालदीव पूरी तरह से स्वतंत्र होने का इरादा रखता है और वहां तैनात भारतीय सैनिकों को वहां से चले जाने के लिए कहेगा, क्योंकि नई दिल्ली और बीजिंग दोनों ही इस देश में प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। चुनावी अभियान के दौरान मुइजू ने इब्राहिम सोली पर मालदीव के मामलों पर भारत को अनियंत्रित प्रभुत्व देने और भारतीय सैनिकों को वहां तैनात करने की अनुमति देकर देश की संप्रभुता को आत्मसमर्पण करने का आरोप लगाया था। हिंद महासागर द्वीप समूह के नव निर्वाचित प्रमुख मुइजू ने ब्लूमबर्ग टीवी को दिए एक विस्तृत इंटरव्यू में कहा कि यहां भारतीय विदेशी सैन्य उपस्थिति होती है। उन्होंने कहा कि अगर सैनिक किसी अन्य देश के होते तो भी उनकी प्रतिक्रिया यही होती। साथ ही साथ एक
और खबर की बात करें जहां इराकी मौलवी ने अमेरिका के खिलाफ उगला जहर, बगदाद में दूतावास बंद करने की दे डाली धमकी। बता दें इराकी प्रमुख शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र ने सरकार से गाजा में इजरायली हमलों के लिए वॉशिंगटन के समर्थन के जवाब में बगदाद में अमेरिकी दूतावास को बंद करने का आह्वान किया है। अल सद्र ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि हम इस अनुरोध पर सरकार के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार और संसद प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो हमारे पास बाद में घोषणा करने के लिए एक और स्थिति होगी। मुक्तदा अल सद्र इराक में शिया मुसलमानों के सबसे बड़े नेता है। उनकी ईरानी धर्मगुरु आयतुल्ला अली खामेनेई से भी काफी नजदीकी है। बयान के अनुसार मौलवी ने अमेरिकी दूतावास में राजनयिकों और कर्मचारियों की सुरक्षा का भी आह्वान किया और सभी इराकियों से व्यक्तिगत रूप से कार्य न करने और न ही हथियारों का उपयोग न करने का आग्रह किया। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें जहां बंधक चाहिए तो फलस्तीनी कैदियों को रिहा करो। हमास ने इसराइल को दिया ये ऑफर, युद्ध क्षेत्र बना गाजा शहर। दरअसल 7 अक्टूबर से जारी जंग के बीच आतंकी संगठन हमास ने इसराइल के सामने बंधकों को छोड़ने का ऑफर दिया है। हालांकि इस ऑफर में अदला बदली की बात कही गई है। दरअसल हमास का कहना है कि अगर इसराइल अपने बंधकों को छोड़ाना चाहता है तो उसको सबसे पहले सभी फलस्तीनियों कैदियों को रिहा करना होगा। समाचार एजेंसी AFP ने शनिवार को बताया है कि बंधकों की रिहाई की मांग को लेकर हमास के प्रवक्ता ने कहा है कि इसराइल को बदले में सभी फलस्तीनी कैदियों को रिहा करना होगा, तभी हम इजरायली नागरिकों को रिहा करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दे बड़ी खबर, भारत, ईरान व आर्मेनिया ने पाकिस्तान और तुर्की के खिलाफ कस डाली है कमर, बनाया नया प्लान। बता दे भारत, आर्मेनिया और ईरान ने अब पाकिस्तान, अजरबैजान और तुर्की की नापाक तिकड़ी को मात खाने देने के लिए कमर कस ली है और नया प्लान तैयार कर लिया है। पाकिस्तान और अजरबैजान ने हाल ही में अपने रक्षा संबंध को काफी बढ़ा लिया है। आर्मेनिया को बड़े पैमाने पर हथियार बेचने वाले भारत ने अब उसे साथ लेकर एक और बड़ा प्लान तैयार किया है। भारत ने आर्मेनिया और ईरान के साथ मिलकर एक नए कॉरिडोर पर काम करने की प्लानिंग की है। इससे पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान के त्रिगुट की काट की जा सकेगी। जी हां, इस साल इस्लामाबाद और बाकू में कई मीटिंग्स हुई हैं जिनमें तुर्की को साथ लेकर आगे बढ़ने की बात है। साथ ही साथ एक और खबर की बात करें जहां भारत के अग्निवीर की नौकरी छोड़, यूक्रेन में जान गंवा रहे गोरखा सैनिक, पैसा छोड़ो लाश तक नहीं आ पा रही नेपाल। बता दें भारतीय सेना की अग्निवीर की नौकरी छोड़, रशिया यूक्रेन युद्ध में लड़ रहे नेपाल के गोरखा सैनिक बड़ी तादाद में अपनी जान गंवा रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने देश में 2 गज जमीन तक नहीं मिल पा रही है। गोरखा सैनिकों कई दशकों से भारतीय सेना की शान रहे हैं और अपनी वीरता की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। नेपाल में अवसरों की कमी और भारतीय सेना की अग्निवीर की नौकरी को ठुकरा करके ये गोरखा सैनिक अब बड़ी तादाद में रशिया की सेना की ओर से यूक्रेन में जंग लड़ रहे हैं। इस बीच कई महीने की जंग के बाद अब उन्हें युद्ध के मोर्चे से हटाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उन्हें लड़ाई लड़ना नहीं आता। यही नहीं, उन्हें जिस पैसे का लालच दिया गया था वो पैसा भी नहीं मिल पाया। यही नहीं, युद्ध में मारे जाने के बाद उनका शव तक नेपाल नहीं आ पा रहा है और उन्हें विदेशी जमीन पर ही दफन किया जा रहा है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं जहां इजराइल हमास युद्ध से नुकसान के साथ साथ भारत को है बंपर ये फायदे, दवा इंडस्ट्री के लिए मौका ही मौका। जी हां, इजराइल हमास युद्ध से भारत की फार्मा कंपनियों के लिए नए मौके खुल सकते हैं। युद्ध और तनाव के चलते पश्चिम एशिया के कई देशों के दवा उद्योगों के सामने संकट है। UAE, बहरीन, ओमान, कतर जैसे देश आयात पर निर्भर है। युद्ध के कारण इस देशों का करीब $1 बिलियन का दवा व्यापार प्रभावित हो सकता है। ऐसे में ये देश भारत की फार्मा इंडस्ट्री का मुंह ताक सकती है, उनके लिए ये मौका ही हो सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस युद्ध का भारत पर असर नहीं पड़ेगा। कच्चे तेल की कीमत की बात करें तो उसमें तेजी से देश में महंगाई बढ़ सकती है, आयात निर्यात प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही साथ एक और खबर की बात करते हैं जहां मुकेश अंबानी को मिली 2 बार धमकी एक ही दिन में, पहले 20 करोड़ की मांग, फिर उसके बाद कहा अब 20 नहीं 200 करोड़ दो, नहीं तो डेथ वारंट पर सिग्नेचर हो चुके हैं। जी हां, देश के बड़े उद्योगपतियों में से एक मुकेश अंबानी को एक बार फिर धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने ईमेल करके इस बार 200 करोड़ रुपए की मांग की है। इससे पहले उसने 20 करोड़ रुपए की मांग की थी। एक बार फिर उसी ईमेल अकाउंट से एक और मेल आया है। ईमेल करने वाले ने इसमें कहा है कि अभी तक हमारे ईमेल का जवाब नहीं दिया है, इसीलिए अब 200 करोड़ रुपए देने होंगे। ऐसा ना किया है तो ध्यान रहे कि डेथ वारंट पर सिग्नेचर हो चुके हैं। उसने ईमेल में लिखा है कि यू हैव नॉट रिस्पॉन्डेड टू अवर ईमेल, नाउ द अमाउंट इज 200 करोड़, अदरवाइज द डेथ वारंट इज साइंड। जी हां दोस्तों, इससे पहले धमकी देने वाले शख्स ने 27 अक्टूबर को भी एक मेल किया था। 3 दिन पहले मुकेश अंबानी की कंपनी के ईमेल आईडी पर भेजे गए ईमेल में लिखा था कि इफ यू डोंट गिव अस 20 करोड़ रुपीज वी विल किल यू, वी हैव द बेस्ट शूटर्स
इन इंडिया। जी हाँ, बहरहाल इस मुद्दे पर गामदेवी पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है और छानबीन चल रही है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं, जहाँ राजनाथ सिंह ने किया सबसे बड़ा दावा, कहा लोकसभा चुनाव में एक बार फिर स्पष्ट बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी ही बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। जी हाँ, रक्षा मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने शनिवार को दावा किया है कि अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव में एक बार फिर स्पष्ट बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर आए राजनाथ सिंह ने यहां सदर गुरुद्वारे चौराहे पर महर्षि वाल्मीकि की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में यह दावा किया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जब उनसे विपक्षी गठबंधन इंडिया की चुनौतियों को लेकर पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि आप आश्वस्त रहिए, देश की जनता का पूरा भरोसा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी यानी नरेंद्र मोदी के प्रति और 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी स्पष्ट बहुमत के साथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये केवल मैं कह ही नहीं रहा हूं बल्कि बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक भी इस सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, क्या आपको भी यही लगता है जो राजनाथ सिंह जी ने कहा है? क्या फिर से एक बार मोदी सरकार ही आएगी? जो भी आपकी राय हो, लेकिन कमेंट में मोदी तो हर चीज मुमकिन है अवश्य कहिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां क्या कैबिनेट ने भी इंडिया शब्द को हटाया? रेलवे के प्रस्ताव में भारत का इस्तेमाल बता दें, रेल मंत्रालय ने केंद्रीय कैबिनेट को सौंपे एक प्रस्ताव में इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया है। रेल मंत्रालय ने यह बदलाव ऐसे वक्त में किया है जब केंद्र सरकार इंडिया की जगह भारत नाम को तरजीह दे रही है। तमाम संस्थाएं भी इसे प्रमोट कर रही हैं। रेल मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया है कि हमारे संविधान में इंडिया और भारत दोनों नाम का जिक्र किया गया है, ऐसे में कैबिनेट के प्रपोजल में भारत नाम का इस्तेमाल किसी तरीके से गलत नहीं है। रेल मंत्रालय का यह प्रस्ताव केंद्रीय कैबिनेट का ऐसा पहला प्रस्ताव है जिसमें इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लॉजिस्टिक कॉस्ट से लेकर कार्गो और दूसरी चीजों का जिक्र करते हुए हर जगह भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले दिनों में केंद्र सरकार के तमाम दस्तावेजों में इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल होता दिखाई देगा। बहरहाल दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां सस्ते प्याज के लिए मोदी सरकार का सबसे बड़ा फैसला, निर्यात से जुड़ा बड़ा ऐलान बता दें। सरकार ने सस्ते प्याज के लिए बहुत बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने शनिवार को प्याज के निर्यात पर $800 प्रति टन का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम निर्यात मूल्य या MEP लगा दिया है। ये इस साल 31 दिसंबर तक के लिए लगाया गया है। केंद्र सरकार ने एक कदम घरेलू मार्केट में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने और इसकी कीमतें काबू में रखने के लिए उठाया है। पिछले कुछ दिनों में प्याज की कीमतों में तेज उछाल आया है। बहरहाल दोस्तों, आपके यहाँ पर प्याज के क्या रेट चल रहे हैं आज भी कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं कितना रेट है आपके शहर में और शहर का नाम भी लिखिएगा। बहरहाल दोस्तों, ये थे अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत और यहाँ तक बने रहें।